वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा। इस वीडियो में जॉन डन की पोम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली ये थ्री स्टेंजाज की पोम है और थ्री स्टेंजाज में कम्प्लीटली विमेन की जो अनफेथफुलनेस है उसके ऊपर बात की गई है। यानी हर एक वुमन को यहाँ पे ना जॉन डन ने इस नज़र से देखा है कि वो फेथफुल हो ही नहीं सकती। तो थ्री स्टेंजर्स के अंदर वो क्या क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं वुमन के बारे में और बहुत सी इम्पॉसिबल बातों के बारे में भी बताएंगे कि बहुत सी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं जॉन डन के ही बारे में। जॉन डन का लाइफ स्पैन 1572 से 1631 के बीच का है। ये मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री, एक्चुअली हम मेटाफिजिकल वर्ड को ही समझ लेते हैं पहले। मेटाफिजिकल है ना, टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, मेटा प्लस फिजिकल। नंबर्स ऑफ टाइम वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। मेटा जो है उसका मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी परे, अलग, ओके। एंड फिजिकल मीन्स फिजिक, फिजिक से ले लीजिए ये वर्ड, फिजिक भौतिक, यानी भौतिकता से परे जब लिखा जाता है तो वो होते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स। तो जॉन डन जो है वो है मेटाफिजिकल पोइट, यानी मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं, ओके। इनके वर्क्स में एक चीज़ नोटेबल और है, क्या कि सभी वर्क्स के अंदर रियलिस्टिक और सेंसुअल स्टाइल आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इनके वर्क्स डिफरेंट टाइप के हैं, रिलीजियस पोम्स भी इन्होंने लिखी हैं, सोनेट्स लिखी हैं, हाँ एपिग्राम्स लिखे हैं, एलिजीज लिखी हैं, जो भी हैं। मेन बेस जो है ना वो क्या है, मेन बेस है कि रियलिस्टिक सेंसुअल स्टाइल के अंदर ये लिखते हैं, ओके। जॉन डन ने अपना करियर एज ए लॉयर शुरू किया, बाद में चर्च के अंदर वो एक पादरी बन गए थे। इनके बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं, बस कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं आपके लिए। द फ्ली मीन्स जो वेल नोन है, वर्ल्ड नोन है, आप कह सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो जाने जाते हैं, वो कुछ वर्क्स हैं, कुछ हैं उनमें से जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं, और भी हैं काफ़ी, वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं द सनराइजिंग जो है ये किसने लिखी है, द कैनोनाइजेशन जो है वो किसने लिखी है, तो इसलिए ओके। तो ये हमारे पोइट का इंट्रोडक्शन है। अब जानेंगे हम हमारी पोम के बारे में जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। जॉन डन की जो पोम है थ्री स्टेंजर्स की, एक्चुअली इसके जो इसका एक बेसिक जो मेन थीम है ना वो तो है इनफिडेलिटी, बट और भी वेरियस थीम्स निकल कर सामने आते हैं अगर मेंशन कर दिए जाए। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर थीम आ गया, ओके, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आ गया और उसमें आपको ऑप्शन दे दिए, अब ऑप्शन में इनफिडेलिटी नहीं दिया बट लव मेंशन किया है, तो यस लव भी इसका थीम है। तो ये चीज़ हम इसलिए आपके सामने मेंशन करते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारी पोम का थीम। नाउ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि पोम है लिरिक, ओके, और ये थ्री स्टेंजाज की लिखी हुई है। अब हर एक स्टेंजा के अंदर ना 9 लाइन्स हैं। ये बारीकियाँ होती हैं पोम्स की, जो हम एज ए रीडर, एज अ स्टूडेंट, हम ये चीज़ें जो है ना अगर नोटिस करके चले ना, बहुत इंटरेस्ट आता है। एक्चुअली मीन्स जितना अपन पोम को एंजॉय करते हैं ना, उसका एंजॉयमेंट बढ़ जाता है अगर हम उसका लिरिकल जो वे देखते हैं, आप कह सकते हैं कि जो उसका क्रिटिकल जो व्यू देखते हैं, एक्चुअली जो लिटरेरी डिवाइस जो है वो देखते हैं, तो अपने को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि साथ के साथ हमारे जो नॉलेज है वो भी एनहांस होती है। अब राइम स्कीम देखेंगे। राइम स्कीम जो है पोम की वो कुछ इस तरह से रहेगी, जिसे हम बिल्कुल लास्ट में वीडियो में डिस्कस करते हैं। हर एक वीडियो में जहाँ भी पोम पढ़ाई जाती है, हर वीडियो में आपके राइम स्कीम जो है वो डिस्कस होती है, यानी राइम स्कीम को निकालने का तरीका बताया जाता है। मैसेज देखेंगे। ओवरऑल जो मैसेज रहा है पोम का वो है कि लव जो है ना हॉपलेस हो जाता है और वुमन जो है वो लायर है, चीट करती हैं। देखिए आप इस चीज़ को ना पर्सनली नहीं लेना और ना ही क्राइटेरिया में अपनी में कहीं फिट करने की कोशिश करना, ओके। ये सिर्फ एक पोम है, पोम के हिसाब से ही हम इसे इंजॉय करने वाले हैं। तो हाँ प्लीज़ जैसे भी आप इसको पढ़ें तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हटा के सिर्फ जॉन डन का पॉइंट ऑफ व्यू है उसे ही एंजॉय करने की कोशिश करना, ओके। चलिए अपन देख लेते हैं हमारी पोम को, क्योंकि मैसेज जो है वो पोम को जैसे जैसे रीड करेंगे क्लियर होता जाएगा। वेरी फर्स्ट लाइन, द टाइटल ऑफ द पोम, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। देखिए ये जो है ना लाइन, इसी लाइन से आपको सबसे पहले एक चीज़ जो नज़र आएगी वो नज़र आएगी इम्पॉसिबिलिटी। यहाँ जॉन डन ने, मैंने आपको बोला कि जॉन डन जो है वो कह रहे हैं कि बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ हैं जिन्हें पॉसिबल किया जा सकता है, तो यहाँ से ही उन्होंने शुरुआत कर दी। पहली लाइन से वो कह रहे हैं कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, कि जाओ और एक टूटते हुए तारों को तोड़ो या पकड़ लो,
ओके, कि आप जाकर किसी भी टूटते हुए तारे को पकड़ सकते हैं. इज इट पॉसिबल? आई थिंक नो, ना पॉसिबल नहीं है ये. लेकिन जॉन डन क्या कह रहे हैं कि अगर तारा टूट रहा है तो आप जाकर उसे पकड़ सकते हैं, यानी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकते हैं. सेकेंड लाइन में, गेट विथ चाइल्ड आ मैंडार्क रूट. मैंड्राक रूट क्या है? मैंड्राक रूट एक्चुअली एक ऐसा प्लांट है, मीन्स एक आप कह सकते हैं एक ऐसा पेड़ पौधा है जिसकी रूट ना कुछ इस तरीके से विजिबल होती है, यानी ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, उनकी शेप में दिखाई देती है वो रूट. तो कहते हैं कि मैंड्राक की रूट से भी बच्चा पैदा किया जा सकता है, यानी पॉसिबल नहीं है, बट पोइट कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना उसे क्लियर करना है कि ईच एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बट फेथफुलनेस ऑफ ए वुमन इज नॉट पॉसिबल. तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना अपन को. तो ये इम्पॉसिबल चीज़ वो बता रहे हैं कि जाओ और पकड़ लो टूटते हुए तारे को, पॉसिबल है आपके लिए, यानी इम्पॉसिबल चीज़ यहाँ पॉसिबल है और आप एक बच्चा प्राप्त कर सकते हो मैंड्राक रूट से. आगे, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर. और ये भी बताया जा सकता है कि सारे के सारे जो बीत गए वो साल कहाँ गए. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम नहीं बता सकते ना कि बीत गए जो साल कहाँ गए. तो कह रहे हैं कि लेकिन पॉसिबल है, क्योंकि जॉन डन ने का मेन जो व्यू है वो यही है कि इम्पॉसिबल चीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं. अब नेक्स्ट में कह रहा है, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट. क्लेफ्ट, क्लेफ्ट का मतलब होता है काट देना, चीर देना. ये कह रहे हैं डेविल के फुट को भी काटा जा सकता है. अब डेविल के फुट को कहाँ काटा जा सकता है? डेविल के फुट को नहीं काटा जा सकता ना, क्योंकि डेविल तो एक तरह से मतलब बहुत खतरनाक सा दिखाई देता है. कौन उसके पास जाएगा भाई, कौन रिस्क लेगा उसके फुट को काटने का? लेकिन पॉसिबल है जॉन डन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो आई थिंक इट इज़ क्लियर. ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा की ये जो फोर लाइन्स जो हमने देखी है, एक्चुअली पूरा नहीं हुआ है स्टेंजा, आगे है, बट यहाँ हमने चार लाइन आपके साथ डिस्कस की हैं. इन चार लाइन का मतलब क्या है कि दो तीन चार चीज़ें हर लाइन में बता दी. इम्पॉसिबल पॉसिबल है, कि टूटते हुए तारे को पकड़ना पॉसिबल है, मैंड्रार के रूट से बच्चा प्राप्त करना पॉसिबल है, पास्ट ईयर कहाँ चले गए ये चीज़ भी हम बता सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और किसने डेविल के पैर को काटा ये भी पॉसिबल है कि पता लगा लें हम. चलिए आगे ये देखते हैं हम. टीच मी टू हीयर मरमेड सिंगिंग. अब देखिए, मरमेड के बारे में एक्चुअली सुनने को मिलता है, बट किसी ने भी इनको ना गाते हुए नहीं देखा, मरमेड्स को. यानी मरमेड कहते हैं कि होती हैं जलपरी होती हैं, लेकिन हमने भी नहीं सुना, मतलब सॉरी सुना है बट देखा नहीं है. तो ये कह रहे हैं कि बताओ कि जो मरमेड्स होती हैं वो कैसे गाती हैं. हाँ, आप उसे सुन सकते हो, आप उनसे सीख सकते हो सुनकर. तो आप कहने का मतलब ये है, पोइट कह रहे हैं कि मरमेड की जो सिंगिंग है ना, उनका गाना जो है वो मुझे सुनना सिखाओ. क्योंकि ऐसा सिर्फ इमेजिनेशन के अंदर कह सकते हो आपकी मरमेड्स होती हैं. मरमेड्स किसी ने भी नहीं देखी आज तक, और मरमेड्स गाती भी हैं, अब बताओ. तो कह रहा है कि मुझे उसका गाना जो है वो सुनना सिखाओ. जो चीज़ है ही नहीं तो वो भी पॉसिबल कह रहे हैं कि हाँ हो सकती है. आगे देखिए नेक्स्ट टाइम. और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग. अब स्टिंगिंग का मतलब होता है कि जो एकदम से ऐसे काटना, मीन्स डंक मारना जिसे बोलते हैं हम, वो होता है कि जब स्टिंगिंग एनवी यानी ईर्ष्या, कि जो ईर्ष्या है ना वो हर किसी को डंक मारती है. यानी हर कोई इंसान जो है कभी ना कभी अपने जीवन में किसी ना किसी से ईर्ष्या जरूर करता है. तो ये कह रहे हैं कि क्या ईर्ष्या से बचा जा सकता है? तो कह रहे हैं यस, और टू कीप ऑफ मीन्स ईर्ष्या से बचाया जा सकता है अपने आप को. पॉसिबल नहीं है, हाँ आप एक ही चीज़ दिमाग में रखो कि पॉसिबल नहीं है, बट जॉन डन कह रहे हैं कि पॉसिबल है भाई, कि ईर्ष्या कभी भी, कई है लोग ऐसे जिनको ईर्ष्या कभी भी किसी से नहीं हुई, लेकिन नहीं है कोई भी ऐसा. ओके, एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड. ये जो चीज़ है ना, ऑनेस्ट माइंड, एक चीज़ जो यहाँ एनवी स्टिंगिंग कहा है, ये भी ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है. ऑनेस्टी ऑफ माइंड, ये भी ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है. और ह्यूमन नेचर के अंदर ये ना देखने को ही मिलेगा, हर किसी इंसान के अंदर होता है. क्या? कि उसे कभी ना कभी किसी ना किसी से ईर्ष्या भी ज़रूर होती है. तो एक ऑनेस्ट माइंड जो है वो ऑनेस्ट क्यों है, ये रीज़न भी नहीं पता लगाया जा सकता. अगर कोई ऑनेस्ट है ना तो वो हमेशा से है, दिल से है,
अपने व्यवहार से है, उसे ऑनेस्टी सिखाई नहीं जा सकती। यहाँ यही कहना चाह रहे हैं वो कि मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी हवा है जो कि ऑनेस्टी सिखा देती है, यानी ऐसा कौन सा दिमाग है उसके अंदर किस तरह की हवा जो है असर करती है जिससे ऑनेस्टी आ जाती है, ऑनेस्ट हो जाता है इंसान। तो ये कह रहे हैं बस इतना सा है कि है कोई हवा, पता लगाओ है कोई हवा कि जो ऑनेस्ट कर दे इंसान को। पॉसिबल नहीं है ना, वो तो अपने आप आते हैं, इनहेरेंट है ये चीज़, क्योंकि ये क्या है, ये विशेषता है एक इंसान की, उसमें आएगी तो आएगी। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या कह रहे हैं कि तुम पता लगाओ, फाइंड आउट करो कि ऐसी कौन सी हवा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान के दिमाग को ऑनेस्ट बना दे, उसके व्यवहार को ऑनेस्ट बना दे। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉइंट कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट है, कुछ भी कह सकते हैं। आगे देखो, इफ़ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स। अब देखो कि ये जो अजीबोगरीब चीज़ें जो अभी डिस्कस हुई है ना, स्ट्रेंज यानी अजीब, साइट्स यानी दृश्य या नज़ारा, कि ये जो चीज़ें जो अभी हमने देखी हैं अजीबोगरीब, तुम उन्हीं को देखने के लिए पैदा हुए हो, यानी इन्हीं सभी चीज़ों को तुम पैदा देख सकते हो, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। थिंग्स इनविजिबल टू सी, यानी वो चीज़ें जो दिखाई नहीं देती देखी जा सकती हैं, जो अदृश्य है, अदृश्य ही है, क्योंकि देखिए ऑनेस्टी है, देखी है क्या किसी ने, नहीं देखी ना। एनवी है, देखा क्या किसी ने, नहीं देखा ना। मैंड्रा की रूट देखी किसी ने, मरमेड्स देखी, नहीं देखी ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनविजिबल है, ये चीज़ें जो हैं इम्पॉसिबल हैं, लेकिन तुम पैदा हुए हो ये सब चीज़ें देखने के लिए, यानी कभी ना कभी देख लोगे। आगे देखिए, राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, कि लगातार 10,000 दिन और रात तक तुम राइड करते रहो। आगे देखिए सेकंड जो इसकी जो नेक्स्ट लाइन है उसके साथ इसका क्लियर होगा मीनिंग। आगे देखो, टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी दी, यानी यू आर के एक वर्ड है कि जब तक तुम्हारे बाल जो हैं वो बिल्कुल एकदम ऐसे ना हो जाएं जैसे कि बर्फ़, यानी एकदम सफ़ेद, इतने सालों तक, 10,000 सालों तक दिन और रात तुम सवारी करते रहो, मतलब राइड करते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो, कहीं ना कहीं तो तुम्हें ये चीज़ें देखने को मिल ही जाएंगी जो इनविजिबल है। समझे आप, यानी जो चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, पोइट ये कह रहे हैं कि कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर तुम्हें ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, कि मरमेड की सिंगिंग तुम्हें देखने को मिल सकती है, तुम्हें जो ये एनवी है ऐसा कोई इंसान ज़रूर मिल सकता है जिसको एनवी ना हुई हो कभी, तुम्हें ऐसी हवा का भी पता लग सकता है जिससे ऑनेस्टी आती हो। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने बताई, जैसे कि कोई टूटता हुआ तारा है, किसी ने पकड़ा, तुम देख सकते हो, मतलब ये जब चीज़ें हैं ना, अगर 10,000 साल तक तुम इधर उधर कहीं दौड़ते फिरते रहोगे, या तुम्हारे बाल जब तक सफ़ेद नहीं हो जाते, यानी पूरे जीवन काल में कभी ना कभी तुम ये चीज़ें देख सकते हो। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर ना। चलिए आगे चलते हैं, दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स्ट व्हाइल टेल मी, आप जब तुम लौट कर वापस आओ ना, मतलब 10,000 साल तक तुमने राइड किया, इधर उधर सवारी की, इधर उधर तुम दौड़े हो, भागे हो, घूमे हो, फिरे हो, जब तुम लौट कर वापस आओ तो मुझे बताना, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बी फॉल दी, कि ये जो जितने भी स्ट्रेंज वंडर्स मैंने बताए वो बिफेल दी, यानी ये सब के सब जो है ये हुए हैं तुम्हारे साथ, यानी तुमने ये सब के सब देखे हैं। वही जो पीछे हमारा मीनिंग था वो यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर हुआ है, टू लाइंस जो ये है इनके अंदर, कि ये जो भी हमारे पोइट ने हमें डिस्कस की है ना चीज़ें, ये कभी ना कभी इन 10,000 सालों के अंदर कभी ना कभी तुम्हारे साथ हैपन होंगी ही होंगी, या तुम देख पाओगे। एंड स्वेयर नो वेयर, अब यहाँ पर मुद्दा खड़ा होता है झगड़े का, यानी कंट्रोवर्सी का, जो ये जो ओपिनियन है ना, ये एक्चुअली जो विमन हर्ट है उनको थोड़ा सा हर्ट करेगी। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, वाओ, मीन्स वाओ नहीं कह सकती बट आप देखिए कि पोइट जो है कितना तो फ्रस्ट्रेट है मीन्स वुमन से, हो सकता है बेचारे के साथ कुछ हुआ होगा, किसी ने धोखा दे दिया होगा, परेशान किया होगा, जो इतना सब कुछ लिख दिया, कि भाई कसम खा के कहता हूँ कि कोई भी नहीं है ऐसी औरत जो ट्रू भी हो, फेयर भी हो, यानी सच्ची भी हो और खूबसूरत भी हो, ऐसी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, कसम खा के कह सकता हूँ। ये सब मिल सकता है, जो ये बाकी की जो चीज़ इन्होंने डिस्कस की ना, कि मरमेड गाती हुई दिख जाएगी, ईर्ष्या जो है ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसे ईर्ष्या ने आज तक डंक न मारा हो, ऐसी हवा मिल जाएगी जिसे ऑनेस्टी माइंड में आ जाए, हाँ टूटते हुए तारे को पकड़ता हुआ कोई ना कोई दिख जाएगा, बट कसम खा के कहता हूँ कहीं भी नहीं मिलेगी ऐसी औरत जो सच्ची हो और खूबसूरत हो। चलिए आगे देखते हैं, इफ़ दाउ फाइंडेस्ट वन, अगर तुम्हें, दाउ मीन्स यू, सेम द आर्किक वर्ड इज दाउ, फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, अगर तुम्हें कोई एक भी मिल जाए प्लीज़ मुझे बताना। कि आप देखो, मीन्स सटायर भी है,
और कहिए कि सीधा सीधा इंसल्ट भी है कि कोई नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया में खो जाओ कहीं नहीं मिलेगी, खूबसूरत भी हो और सच्ची भी हो। सच पिलग्रमेज मिल जाती है ना इस तरह से, तो ये तो एक तरह से तीर्थ यात्रा हो जाएगी, यानी तुम्हारी जो है ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा अगर तुम्हें ऐसी कोई मिल जाती है तो। वर स्वीट, यानी ऐसी जो तीर्थ यात्रा अगर तुमने कर ली तो ये समझ लो ज़िंदगी खूबसूरत है। ऐसी अगर लड़की तुम्हें कोई मिल गई जो ब्यूटीफुल भी है और नेक भी है, सच्ची भी है, तो ये तो तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा ही हो जाएगी। येट डू नॉट, आई वुड नॉट गो। फिर क्या कह रहे हैं आगे, ये नेक्स्ट लाइन से क्लियर होगा। दाउ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट। अब देखो, येट डू नॉट, आई वुड नॉट गो, कि अगर नहीं मिली, येट डू नॉट, फिर भी नहीं, तो कह रहा कि मैं नहीं जाऊँगा। अगर तुमने नहीं मिलती है इस तरह की लड़की, कोई जो सच्ची हो, नेक हो और साथ में खूबसूरत भी हो, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि मैं ये जो टॉपिक लिख रहा हूँ ना, इस टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होऊंगा। कहने का मतलब ये है पोइट का, दाउ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट। अब देखिए कि नेक्स्ट डोर मिल भी गई, यद्यपि अगर इवन अगर आपको मिल भी गई ना कहीं पे, तो आप जैसे ही नेक्स्ट डोर पे गए, यानी आपने कोई नेक्स्ट स्टेप लिया, यानी यहाँ ना एक चीज़ मान के चलिए कि एक लवर है और एक बिलव्ड है, अंडरस्टैंड। तो हुआ क्या है, लवर को बिलव्ड ने एक्चुअली धोखा दे दिया, ठीक है, ये है बेचारा परेशान दुखी, तो ये कर रहा है बुराई अब इसकी। तो यहाँ हमारे पोइट को आप लवर मान के चल लो, इसे किसी ने धोखा दिया है, परेशान है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई नेक और सच्ची मिल भी गई आपको, आपकी लाइफ में अगर आ भी गई, आप थोड़ा सा अगर कहीं को मूव हुए, किसी और काम के लिए निकले, कहीं गए, किसी से मिले, तो क्या होगा, दो शी वर ट्रू, कि थी वो नेक और सच्ची, व्हेन यू मीट हर, जब तुम उससे मिले, जब तो वो सच्ची थी, नेक थी, जब मैट उससे मिले आप, उस लड़की से, उस समय वो खूबसूरत तो थी, साथ के साथ वो नेक भी थी, सच्ची भी थी, वफादार भी थी, जब आप उससे मिले, एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, लेकिन जब थोड़ी सी मुलाकात बढ़ी और जब लेटर्स का मामला स्टार्ट हुआ, यानी आपस में एक दूसरे के साथ लेटर्स एक्सचेंज होने स्टार्ट हुए, यानी रिलेशनशिप में अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, ये मानो बस खाली आप कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड किया, क्या होगा, येट शी विल बी फॉल्स आर मीन्स बिफोर आई कम टू टू और थ्री और, यानी बिफोर, यानी एक लेटर ही लिखा मैंने, लेटर लिखने में कितना टाइम लगता है, यहाँ सिर्फ इतना सा वो बताना चाह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में, यानी रिलेशनशिप को अभी कुछ ही टाइम होगा और क्या होगा, वो जो लड़की है जो खूबसूरत भी है और वफादार भी है, वो क्या हो जाएगी, आप लौटोगे ना, एक लेटर लिखकर वापस लौटोगे, उससे पहले ही आर यानी बिफोर, उससे पहले ही आप आओगे, तो वो दो या तीन आदमियों के साथ में अपना जो है रिलेशनशिप बना चुकी होगी, यानी आपको छोड़ चुकी होगी, दो और तीन लड़कों से दोस्ती कर चुकी होगी। ओके, ये जो है जॉन डन ने जो विमेन है उनकी फेथफुलनेस के ऊपर लिखा है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक फ्रस्ट्रेटेड जो लवर है उस समय जब दुखी है, रिलेशनशिप उसकी एंड हो गई है, तो उस समय की जो उसकी मन की जो स्थिति है उसको लिखा है। अब हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। देखिए पोम की जो लाइन है ना, उसका सिर्फ लास्ट वर्ड देखना होता है राइम स्कीम निकालने के लिए। देखिए जो लास्ट वर्ड है उसको सिर्फ हम देखेंगे कि इसका क्या साउंड निकल रहा है, ठीक है, स्टार। अब स्टार जो है इसको हम मान लेते हैं ए, जो इसका जो लय जो आई है उसको हम ए मान लेते हैं। इसके बाद है रूट, अब रूट और स्टार सेम नहीं है तो इसको मानेंगे हम बी। ओके, सी में देखिए आर, अब ये आर सेम स्टार के जैसा है तो रिपीट हो गया ना, ए रिपीट हो गया। अब देखो रूट, रूट के जैसा ही फोर्थ लाइन के अंदर फुट आ गया तो बी। ओके, तो इस तरीके से हम राइम स्कीम निकालते हैं, ये है राइम स्कीम निकालने का तरीका। अब आगे तो आपको समझ में आ ही रहा है आराम से, मुझे लग रहा है। ये देखिए सिंगिंग स्टिंगिंग सेम सेम है, तो सिंगिंग को हम सी मान लेते हैं क्योंकि ना तो ये स्टार के जैसा है ना ये रूट के जैसा है, सिंगिंग थोड़ा अलग है, इसको हमने सी मान लिया, लेकिन स्टिंगिंग जो है सिंगिंग के जैसा ही साउंड दे रहा है तो ये भी सी है। ये राइम स्कीम निकालने का तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।